भाई लोग आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग खेलने जा रहे एक न्यू गेम जिसका की नाम है हाउस फ्लिपर। और कसम से ये गेम आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगा। लेकिन भाई कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई यार अभी तो हम लोगों ने गेम की सीरीज फिनिश करी थी जिसका की नाम था हाउस डिजाइनर, तो क्या बिल्कुल सेम ही गेम है क्या? तो यार देखो मैं आप लोग बताता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सेम गेम नहीं है। तो यार देखो जैसा कि अपना जो पुरानी वाली गेम थी ना जिसका नाम था हाउस डिजाइनर, तो उस गेम के अंदर हम लोग करते क्या थे कि हम लोग दूसरों घर पे काम करने जाते थे और काम करके जो रुपए मिलते थे हम लोग अर्न करते थे, उससे अपने लिए घर परचेज करते थे और उसको बहुत ज्यादा बढ़िया बनाते थे। लेकिन इस गेम के अंदर हम लोगों को अपने लिए घर परचेज नहीं करना है, बल्कि हम लोगों को एक बिजनेस करना है। उस बिजनेस के अंदर हम लोगों को अपनी ऑफिस रखनी है और अपने ऑफिस से सारा काम ऑपरेट करना है, मतलब दूसरों के घर पे जाके सफाई करनी है और उससे रुपए कमाने हैं और उससे और ज्यादा ऑफिस खोलने हैं। और इस प्रकार से कर करके हम लोग जो अपना मेन बिजनेस है ये साफ सफाई का, दूसरों घर पे मस्त सा पेंट एंड करने का, तो उसको बड़ा करना है और धीरे धीरे बहुत ज्यादा अमीर बन जाना है। तो इस प्रकार का ये गेम है और लिटरली आप लोग को बहुत बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो आज यार हम लोग इस गेम को पहली बार खेलने वाले हैं, तो यार मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। खैर अगर आप लोगों ने ये गेम पहले खेल रखा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर से बता देना। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया तो भाई लोग जल्दी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे जितने लोग नए हो भाई जल्दी सब्सक्राइब के बटन को दबा दो और हम लोग जल्दी चलते हैं इस गेम के अंदर और देखते हैं भाई क्या बवाल है ये गेम। ओके तो यार चलो भैया फाइनली हम लोग आ चुके हैं हमारी गेम के अंदर और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हम लोग कितने ज्यादा बॉडी बिल्डर है, मतलब अपना जो कैरेक्टर है उसका नाम है रॉबर्ट और काफी ज्यादा खतरनाक सी बॉडी बना रखी है खैर हम लोगों ने। और यहाँ पे यार देखो सबसे पहले तो अपने यहाँ पे एक कहा जा रहा है एक चीज की, सो यू आर स्टार्टिंग योर बिजनेस ग्रेट, अवर कॉरपोरेशन हैज बीन गोइंग वेल, सो नाउ आई वांट टू हेल्प यू एज अ, पता नहीं बहुत सारी चीजें लिखी है लेकिन हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ ज्ञान की बातें होंगी। यहाँ पे यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं एक घर के अंदर, मतलब किसी दूसरे इंसान घर के अंदर जहाँ पे हम लोग काम करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग उसका आ जा रहा है लुक अराउंड, ओके ये देख लिया है मूव अराउंड, ठीक है भाई ये भी समझ में आ गया बहुत बढ़िया। वॉक अराउंड द हाउस लुक फॉर द गोल्स ऑफ द टास्क, ओके तो यहाँ पे हम लोग टास्क का चेक करने हैं और टास्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोगों को काम करना है। इन अंकल जी घर पे जहाँ पे हम लोग काम करने आए हैं, वैसे यार मैं आप लोग इनका एक घर दिखा देता हूँ, काफी ज्यादा बढ़िया सा घर नहीं है, मतलब कुछ ज्यादा ही बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल कमाल घर बना रखा है इन लोगों ने। खैर चलिए यहाँ पे सबसे जो पहला टास्क है ना वो बाथरूम के अंदर है, तो भैया बाथरूम का है मुझे दिखा दो, ये किचन है ये बेडरूम है, ओके तो ये बाथरूम है, पक्का पता था मुझे। और यहाँ पे यार हम लोग करना क्या कि यहाँ पे कूड़ा हटाना, ठीक है ये कूड़ा पड़ा हुआ है जल्दी इसको मैं हटा देता हूँ, ओके भैया कूड़ा यहाँ से हट चुका है, अब किचन के अंदर जाकर के हम लोग कूड़ा हटाना है, ये टास्क पूरी करने के करके। चलो भैया ये भी कूड़ा हटा देता हूँ मैं, ओके डन। अब वैसे यार कूड़ा यहाँ पे दिखा रहा है कि एक जगह और कहीं पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो कहीं पर तो होएगा, कहाँ है भैया कहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, रुक जाओ। ओके तो यहाँ पे एक कैन एंड खराब सी पड़ी हुई है, मुझे लग रहा है ये यूज्ड है तो ये कूड़ा ही है, ओके हाँ तो ये भी एक कूड़ा ही था, तो इसके यहाँ पे हम लोगों ने हटा दिया डन। तो यहाँ पे ये वाला काम भी फिनिश हो चुका है। किचन के अंदर विंडो साफ करनी है, वैसे किचन के अंदर विंडो है कहाँ पे भाई, ये तो यहाँ पे खाना बनता है मस्त सा और विंडो, ओके हाँ तो यहाँ पे फाइनली विंडो हम लोग को मिल चुकी है डन। तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो विंडो है इसको क्लीन करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, हम लोग के लिए बता रहे हैं ये हमारे लिए सब कुछ आसान है। ओके तो इस प्रकार से साफ करना है इसको, जल्दी से मैं साफ कर देता हूँ। ओके तो यहाँ पे क्लीन हो चुका है भाई साहब, क्या ही सुंदर चमक आ गई इस विंडो के अंदर डन। तो यहाँ पे अपना ये काम निपटा चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पे हम लोग को बेडरूम पे जाना है। ओके तो ये सामने बाथरूम था ये किचन था, मतलब पक्का ये तीसरा वाला जो दरवाजा है वो बेडरूम को जाता होगा, और बिल्कुल सही यहाँ पे बेडरूम ही है और यहाँ पे हम लोगों को अंदर चलना है। ओके तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है कि सेट हाईलाइटेड आइटम, ओके तो यार यहाँ पे हम लोगों की ये जो हाईलाइटेड आइटम दिखा रहे हैं ना भैया इसको सही करना है भैया, इसको गिरा किसने दिया भैया, अंकल जी यार तुम्हारे घर पे ऐसी चीजें पड़ी हुई हो तुम यहाँ पे गिरा रखते हो, रुको मैं सही कर देता हूँ भाई, रुपए ले रहे हैं इतनी चीजों के तो भाई करेंगे तो सही से है ये। ओके तो यहाँ पे इसको टैप टू कंटिन्यू करते हो, काफी सारी चीजें बता रहे हैं भैया, मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो, मुझे काफी सारी चीजें अच्छे से पता है भैया। ये गेम हम लोग पहले भी एक प्रकार का इसी प्रकार का हाउस डिजाइनर गेम खेल चुके हैं यार, बताओ यार इन लोगों को भाई, लोग आप लोग बताओ भैया हम लोग ऐसे गेमों के अंदर तो बिल्कुल खतरनाक तरीके से प्रो है इनको अच्छे सेट। ओके तो यहाँ पे जो तीसरा आइटम है ना वो भी यहाँ पे पिक्चर है, इसको भी जल्दी साइज सेट कर देते हैं, ओके डन इसको भी यहाँ पे लगा देते हैं। और यहाँ पे अपने को 1000 रुपए मिल चुके हैं भाई साहब, बढ़िया यार लाओ यार रुपए तो चाहिए अपने को। और यहाँ पे यार हम लोग चल पड़े हमारे दूसरे काम के लिए, ओके द मैप विल अलाउ यू टू क्लेम द वेरियस काइंड्स ऑफ डर्ट्स एंड फ्रेम ऑफ क्लॉथ, पता नहीं क्या बताया बहुत सारी चीजें लेकिन हाँ
यहाँ पे अभी मुझे समझ में आया कि ये मुझे बताना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देखो जरा, यहाँ पे अपने पास बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो हाउस डिजाइन गेम के अंदर था ना उसके अंदर इतने सारे आइटम्स तो नहीं थे यूज करने के, लेकिन इसके अंदर कुछ ज्यादा ही आइटम्स हैं। तो हम लोग काफी ज्यादा दिमाग साफ करना पड़ेगा, वैसे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अपना टास्क है ना, कॉरिडोर के अंदर हम लोग को डर्ट क्लीन करनी है, और यहाँ पे टोटल चार जगह दिखा रहा है डर्ट यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पान थूक दिया है क्या किसी ने यहाँ पे, और ये छी भाई क्या है भाई, भाई ये है क्या, नहीं कसम ये है क्या। और यहाँ पे सीसा के अंदर भाई साहब ये सीमेंट कैसे चली गई भाई, यहाँ पे सीमेंट लगाई जा रही थी क्या। खैर ये भी साफ हो गया, और एक जगह डर्ट हो रहा है कहाँ, ओके तो यहाँ पे दूध फैला दिया, मुझे लग रहा है किसी ने दूध है या फिर कुछ और ये पता नहीं। चलो ठीक है ध्यान, इसको भी हम लोगों ने साफ कर दिया है। Once you have directed, sort कर, बहुत सारी चीजें और भी आ रही हैं धीरे धीरे ये बता रहा है। ओके तो यहाँ पे अभी हम लोगों से कहा जा रहा है रिप्लेस द डोर विद इंटरनल क्लासिक डोर। ओके तो इस डोर को हम लोगों को क्लासिक डोर से इसको रिप्लेस करना है, तो एक काम करते हैं यहाँ पे क्लासिक डोर ढूंढना पड़ेगा। ये रहा 800 रुपए का है भाई, पिछली बार हम लोगों ने 1000 रुपए कमाए भाई, 800 रुपए तो इसमें हम लोग लगा रहे हैं भाई साहब कसम से, कतरीना रुपए अपने जा रहे हैं वापस से। चलो ठीक है डन, काम अपना ये निपटा दिया हम लोगों ने। अभी हम लोग उस कह रहा है कि बाथरूम क्लीन डर्ट, मतलब कि बाथरूम के अंदर डर्ट क्लीन करनी है, और बाथरूम ये रहा। और भाई कुछ ज्यादा ही बढ़िया सा बाथरूम नहीं है, मतलब यार बहुत ज्यादा ऐसा सुंदर सी वाइब दे रहा है, हैप्पी वाइब दे रहा है भाई ऐसा, मतलब पुराने जमाने में ऐसा कार्टून में नहीं दिखाते तो उस प्रकार की वाइब दे रहा है। और भाई ऐसी वाइब्स होनी चाहिए भाई, क्योंकि भाई आजकल जो ऐसा मतलब ऐसा डार्क वाली वाइब्स है ना वो बहुत ज्यादा आने लगी है। तो भाई लोगों को जरूरत होती है भाई चिल वाली वाइब्स के लिए, और उसी प्रकार के मैं भी काफी सारे वीडियोस बनाने की ट्राई करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो की वाइब्स पसंद आती हैं, आप लोगों को ऐसा मस्त सा फील होता है यार, उसके लिए भी लाइक कर देना। खैर यहाँ पे यार यू एडवांस द नेक्स्ट लेवल, ओके तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे अपने को थोड़ा सा रुपया कुछ मिला है, पता नहीं क्या है, लेकिन चलो ढन काम हम लोगों ने निपटा दिया। यहाँ पे और कुछ तो नहीं यार बाथरूम का, ओके तो यहाँ पे अपना कुछ काम बाकी है। बाथरूम के अंदर सस्पेंडेड रेडिएटर शॉर्ट, यहाँ पे ये कुछ खराब हो गई ये चीज़ यहाँ पे, शायद इसको हम लोग सही करना हो। मैं सही कर देता हूँ। ओके सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम लोग करना क्या है, यहाँ पे हम लोगों को फिलिंग परचेस करनी है 750 रुपए की। भाई इतना रुपया मैं उड़ा तो रहा हूँ भाई, एंड अंकल जी घर पे भाई अपने को भाई रुपए वापस मिलेंगे या फिर नहीं, अगर अपने रुपए बर्बाद हो जाएंगे यहाँ पे। माउंटिंग इज नॉट डिफिकल्ट, जस्ट प्लेस द कंपोनेंट्स। ओके तो हम लोग सारे सारे कंपोनेंट्स अच्छे से प्लेस करने हैं। सबसे पहले तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, और शायद ये बुल्ट भी हम लोग कसने पड़ेंगे। ओके तो यहाँ पे बुल्ट भी कस देते हैं, और ये यहाँ पे टोटी भी कस देते हैं। ओके डन, यहाँ पे हम लोगों ने ये काम निपटा दिया। और यहाँ पे लिविंग रूम क्लीन डर्ट। ओके तो हम लोगों को लिविंग रूम के अंदर चलना है। बाथरूम का काम हम लोगों ने फिनिश कर दिया, कॉरिडोर का काम फिनिश कर दिया, और यहाँ पे ये बेडरूम है और लिविंग रूम का। ओके देन तो ये रहा लिविंग रूम, और काफी ज्यादा बड़ा है भाई, और यहाँ पे किचन सब कुछ है। ओके तो यार वैसे ये लिविंग रूम होता क्या है, लिविंग रूम जहाँ पे हम लोग सोते हैं क्या वो होता है क्या रूम, वैसे मुझे पता नहीं यार। मेरे घर पे तो भाई दो ही रूम है, तो भाई पता ही नहीं चलता है भाई लिविंग रूम ये सब क्या होता है। खैर यहाँ पे सबसे पहले तो अपने को डर्ट क्लीन करनी है। ओके डन, और कहीं पे डर्ट लगी है क्या, रुक जाओ मैं क्लीन करता हूँ। ओके तो यहाँ पर यार डर्ट तो कहीं पे दिखा, ओ यहाँ पे शायद ये दूध फैला हुआ है भाई, दूध बहुत जगह फैला हुआ है भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने साफ कर दिया है। और अभी हम लोगों को बेडरूम के अंदर भी डर्ट क्लीन करनी है। ओके ठीक है भैया मैं साफ कर देता हूँ भाई, अब रुपए लिए तो यार काम तो करना ही पड़ेगा। ये बेडरूम है क्या, कहाँ पे बेडरूम कौन सा भाई, ओके ये बाथरूम है, ये बेडरूम रहा। ओके बेडरूम के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे डर्ट क्लीन करनी है हम लोग को। दो जगह डर्ट लगी हुई है भाई, आप लोग भी देखो यार भाई कहाँ पे डर्ट लगी हुई है। ओके तो ये रही सबसे पहले तो डर्ट हम लोगों ने क्लीन कर दी है, और एक जगह कहीं पे और डर्ट लगी है बता रहा है, कहाँ पे भाई ये बिल्कुल साफ लग रहा है, ये है क्या। ओके हाँ तो यही था, बिल्कुल सही मस्त। ओके डन, फाइंड क्रैक्स एंड होल्स इन द वॉल्स। ओके तो अभी हम लोगों को वॉल्स सही करनी है, ये जैसे कि यहाँ पे टूटी हुई है ना, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ये परचेज करना पड़ेगा, जो कि इस पैकिंग पेस्ट टाइप में होता है। ओके तो यहाँ पे इसको मैं रख देता हूँ, जल्दी से लगा लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम लोग इसको लगा देते हैं। ओके तो ये वॉल यहाँ पे सही हो गई, डन। ओके तो ये काम हो चुका है, और यहाँ पे अपना जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे हम लोगों को मिल चुका है, यू गेट अ रिवॉर्ड फॉर कंप्लीटिंग द ऑर्डर। ओके ठीक है, तो $3,500 लगे हैं, मतलब कि अपने मिले हैं, और इसमें साथ से हम लोगों ने $2,000 तक लगा दिए भाई अंकल जी घर पे, तो हाँ ठीक ठाक ही हो गया है काम वैसे, ठीक है। टू पेंट द वॉल्स यू नीड, ये अब काफी सारे काम और भी डिफरेंट काइंड ऑफ आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों से कहा जा रहा है, ये हमारा नया वर्क है आप लोग याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पेंट करने को कहा जा रहा है, तो सबसे पहले यहाँ से पेंट परचेस कर लेते हैं। ओके मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, येलो कलर का पेंट है, और ये साइड से हम लोगों को जो सारा हाइलाइटेड एरिया है ना वहां पे हम लोग करना है। ओके तो ये काफी ज्यादा बढ़िया से वैसे निखर के आ रहा है ये पेंट, बढ़िया है यार इसके, यार जल्दी से हम लोग पेंट को निपटाते हैं, और इसके बाद और भी काफी सारे काम हम लोग करने हैं।
ओके तो यहाँ पे यार ये लास्ट दो जगह पे हम लोग और करना है। और भाई आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, जो हम लोग हाउस डिजाइनर गेम पहले खेलते थे ना उसके अंदर यार एक ही बार में सारी सारी वॉल पे हो जाता था, लेकिन यार इसके अंदर डिवाइड करके हो रहा है। लेकिन हाँ बढ़िया है यार, मस्त कुछ अलग सा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ओके तो यू नीड अ राइट मटेरियल जो कवर द फ्लोर्स। ओके तो यहाँ पे अभी हम लोगों को फ्लोर यहाँ पे सही करना है, और यहाँ पे बताया जा रहा है लिविंग रूम के अंदर हम लोगों को जो फ्लोर है ब्रोकन है तो उसको हम लोग सही करना है। तो यहाँ पे यार लिविंग रूम तो अपना सामने ही, उसको मैं ओपन करता हूँ। ओके तो यहाँ पे ये पूरे जो फ्लोर है ना वो टूटा टूट गया है, यहाँ पे इसको हम लोग सही करना है। ओके तो यहाँ से हम लोग पैनल परचेस कर लेते हैं, ये वाला हम लोग परचेस करने वाले हैं और इसको हर जगह लगा देते हैं। ओके तो यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पर भी लगा देता हूँ। ओके तो मस्त लग रहा है यार, वैसे वो वाला जो था ना पुराना वाला काफी था बेकार सा था और टूट गया था। और भाई इसमें रुपए अपने बहुत ज्यादा जा रहे, भाई अच्छा खासा रुपया चाहिए मुझे अंकल जी, क्योंकि यार मेरे रुपए बहुत सारे इसमें जा रहे हैं आपके घर में। ओके तो यहाँ पे यार मैं जल्दी जल्दी सारा काम निपटाता हूँ। ओके तो डन, यहाँ पे यार काम अपना निपट चुका है और यहाँ पे यार हम लोगों ने कुछ अचीवमेंट भी पूरे करे हैं और काफी सारे पॉइंट्स हम लोगों को मिलने लग रहा है। ठीक है तो बढ़िया। ओके कंटिन्यू करते हैं और कलेक्ट करते हैं 4000 रुपए। भाई साहब बढ़िया यार, अपने काफी ज्यादा सही मात्रा में भाई साहब रुपए मिलने हैं। मतलब हाँ यार काम अगर हम लोगों को रुपए लग रहे हैं ना तो भाई उसका जो रिटर्न अपने को काफी ज्यादा बढ़िया आ चुका है। ओके तो वेलकम टू योर न्यू। ओके तो यार फाइनली हम लोग जो अपना ऑफिस है ना वो यहाँ पे मिल चुका है और इट्स नॉट अ लग्जरी सूट बट इट विल हैव टू डू गेट इट स्टार्टेड। ओके हाँ तो यहाँ से हम लोग जो असली स्टार्ट है वो यहाँ से करने वाले हैं। अभी तक तो हम लोग रुपए कमा रहे थे अपने लिए दूसरों घर पे काम करने के लिए, और काम कर करके जो हम लोगों ने रुपए कमाए हैं ना उसकी मदद से यहाँ पे हम लोगों ने अपना जो ऑफिस है खुद का वो परचेज कर लिया और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं। बिफोर आई फॉरगेट द क्लीनर क्विटा मंथ एगो गुड लक। ओके ठीक है तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे ये रहा अपना ऑफिस। भाई साहब काफी था बढ़िया सा ऑफिस यार, वाला यार कुछ ज्यादा ही गजब का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे कूड़ा कबाड़ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है तो यार इसको हम लोग साफ करना पड़ेगा, और यार वो साफ करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और आप लोग यार अगर इस गेम को पहले भी खेल चुके हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना, और इसके अंदर क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए वो भी मुझे बताना है, क्योंकि मुझे इस गेम के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं पता है यार। तो आप लोग मुझे मदद चाहिए, आप लोग जरूर से बताना कमेंट के अंदर अगर हम लोग इसके अंदर और कुछ कुछ चीजें चेक कर सकते हैं। खैर ये अपनी ऑफिस पहली मिल चुकी है, अभी हम लोग और भी बहुत सारा काम करेंगे, दूसरों घर पे काम करके रुपए कमाएंगे और खुद के लिए घर परचेज करेंगे अगर इस गेम के अंदर होता होगा। खैर अगर आप लोग ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे जितने लोग सब्सक्राइब कर लो, और यार मिलते हैं अगली वीडियो पे। बाय।